Hello everyone, welcome or welcome back. If you are new here, please take on a moment and do subscribe to my channel. इट विल रियली मीन्स अलॉट टूमी सो गाइस आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अ वेरी गुड ड्यूब फॉर हाई एंड ब्रांड विच इज मैक स्ट्रोप क्रीम सो मैं यहाँ पे टेस्ट आउट करने वाली थी कि एन वाई बी की स्ट्रोप क्रीम जो है वो क्या एक ड्यूब है मैक की स्ट्रोप क्रीम का या नहीं सो so यहाँ पे जो शेड है एन वाई बी का दैट इज पिंग टू पास दिस रिट इज ओनली फॉर टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज बट आपको इजिली डिस्काउंट पे वन एटी uh, या वन नाइन्टी रूपीज की मिल जाती है दिस इज हाउ द मैक स्ट्रोक्रीम लुक्स लाइक येस दिस इज अल मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ सो इस सैंपल साइज में आपको ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है एन वाई बी की ट्यूब में फिफ्टीन एम एल प्रोडक्ट मिल जाता है जस्ट इन लेस देन टू हंड्रेड रुपीज सो आई आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इफ दिस इज अ गुड ड्यूप अगर ये अच्छा ड्यूप निकला सो वाई नॉट टू स्प्लर्ज़ योर मनी ऑन यू नो अफोर्डेबल प्रोडक्ट रैदर टू गो फॉर द हाई एंड ब्रांड्स बिकॉज हाई एंड मतलब इसकी मैक की अगर स्ट्रोक क्रीम की बात करूँ दैट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड रुपीजी का स्मॉल वाला पैक सो दिस हाउ द बोथ लुक ऑन माई हैंड मैक का जो शेड है दैट इज पिंक लाइट स्ट्रोक क्रीम एंड एन वाई बे का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ दैट इज पिंक टू पास जो मुझे माइनर सा डिफरेंस लगा है दट इज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ बोथ द स्ट्रोक क्रीम्स क्योंकि मैक वाली जो है वो यू you नो know, थोड़ी थिकर साइड पे है वो थोड़ी सी ब्लैंड करने में भी आपको यू नो क्रीम थिक लगेगी वेराज एन वाई बे की थोड़ी सी थिन फॉर्मूला के साथ आती है मैक की क्रीम जब ब्लेंड हो जाती है उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी मतलब इन दोनों में ही चन की पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है बट एन वाई की जो स्ट्रोक क्रीम है उसमें हिंट ऑफ पिंक है ऑब्वियसली दिस इज अ पिंक अंडर टोन वाला स्ट्रोक क्रीम सो डेफिनेटली इसमें पिंक पार्टिकल्स uh, होंगे बट ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स आर विजिबल ऑन योर फेस नथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल वंस ब्लेंडेड ऑन टू योर फेस मैं जो ये एन वाई बे की है एंड मै की है ये मैं आपको टॉर्च की हेल्प से लाइट की हेल्प से आपको शो कर रही हूँ लाइट ताकि आपको पता चल सके कि बोथ आर रिफ्लेक्टेड बट इन अ गुड वे मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ग्लिटरी पार्टिकल्स हैं चंकी पार्टिकल्स हैं और दोनों ब्लेंड होने के बाद आप मतलब किसी से पूछ के भी देखोगे तो दे कांट मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्रीम्स सो वाई नॉट टू गो फॉर दिस अफोर्डेबल प्रोडक्ट क्योंकि ये आपको रिटेल करता है अंडर टू हंड्रेड रुपीज़ वेर आइज मैक की स्ट्रोप क्रीम रिटेल्स अराउंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ सो so आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ गुड ड्यूब दिस इज अ बैंग ऑन ड्यूब अगर आप की स्किन ऑयली है सो आपको भी थिक कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट जो है वो लगाने थोड़े से डिफिकल्ट होते होंगे सो so, आप डेफिनेटली एन वाई बे के लिए जा सकते हैं इसमें दो शेड्स अवेलेबल हैं गोल्ड टाइट भी है पिंक लाइट भी आप इसमें से किसी भी शेड के लिए जा सकते हैं सो या गाइज ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड ड्यूब आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई फाउंड अ मैक स्ट्रोक क्रीम ड्यूब आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है सो प्लीज मेक श्यूर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो एंड आई सी यू गाइज माई नेक्स्ट वीडियो चिल देन टेक केयर बाय बाय